बेटा से अगर आप उम्मीद रखोगे तो मे बी 100% में से 99% आपको वो सहयोग करे, लेकिन अगर आप बेटी को पढ़ाइएगा तो 100% में से 100% वो आपको सहयोग करेंगे। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो यहाँ पर 259 स्टूडेंट का ICICI बैंक में हुआ था, तो जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, जब मैं सेकेंड ईयर में आई तो ICICI बैंक में बच्चों का हुआ था लगभग 100, फ्लिपकार्ट में भी हुआ था और भी बहुत TCS में भी बच्चों का हुआ था। तो ये सब चीज मैं देखती आ रही हूँ पिछले 2 साल से। आपको मौका है कि आज मैं भी मैं यही बोलूंगी कि सभी माता पिता से कि अपने बच्चों को भी ध्यान, बच्चियों पे भी ध्यान दीजिए और उनको अच्छा बेहतर पढ़ाई करने का मौका दीजिए। तो तुम्हारे पापा को क्या लग रहा है कि बेटी ने मेरे सही फैसला लिया, पापा को गर्व हो रहा है? हेलो एवरीवन, अभी हमें सिमज में और आज का जो ये माहौल है ये मिड प्लेसमेंट पार्टी का है। अभी अभी हमारे बच्चों के प्लेसमेंट की खबर आई है और इनके हाथ में ऑफर लेटर्स हैं। डायरेक्टर सर ने इनको ऑफर लेटर वितरित किया है, कंपनी जिन्हें भेजा था। तो आइए जानते हैं कि सिमज में 3 साल का ये सफर कैसा रहा। तो चलिए बात करना शुरू करते हैं, थोड़ा अपने बारे में कुछ बताओ बेटा। मेरा नाम रिया कुमारी है, मैं पटना की निवासी हूँ और मैं सिमेज में BCA कोर्स से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की हूँ और अभी मेरा सुगम्य फाइनेंस में जॉब लग चुका है, प्लेसमेंट मिल चुका है तुमको। तो थोड़ा अपने बारे में बताओ कि तुम एग्जैक्टली रहने वाली किस लोकेशन की हो? मैं अगम कुआं में रहती। थोड़ा अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बेटा कुछ बताओगी? मेरे पिताजी बिजनेसमैन हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का उनका दुकान है और मेरी मदर जो है हाउस वाइफ है और मेरी एक छोटी सी बहन है जो अभी अपना स्टडी कर रही है रेडियोलॉजी। ऑलराइट, तो तुमने क्या सोच करके सिमज में ये कोर्स ज्वाइन किया? जब मैं अपना 12th पास आउट की थी तो सिमेज के बारे में मैंने न्यूज़पेपर भी देखा था, वहाँ पर क्या देखा था न्यूज़पेपर में क्या देखा था न्यूज़पेपर में क्या था कुछ याद है? यस सर, क्या था? ऐड था वहाँ पर सिमेज के बारे में और यहाँ पर मैं BCA BBA BBM कोर्स कराया जाता है, SCIT कोर्स कराया जाता है। तो मैंने वहाँ पर देखा कि प्लेसमेंट जो बच्ची का हो चुका है उनका फोटो वगैरह वहाँ लगा हुआ था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई थी सिमेज से, तो मैंने सोचा कि मैं BCA सिमेज से करूँगी। ये तो अट्रैक्शन और इंस्पिरेशन की बात आ गई कि एडवर्टीजमेंट में तुम्हें पता चला कि सिमेज कॉलेज से बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। तीन साल तक तुम्हारे सामने किसी का प्लेसमेंट हुआ, कुछ अनुभव है? क्या है? जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो यहाँ पर 259 स्टूडेंट का ICICI बैंक में हुआ था, तो जब मैं सेकेंड ईयर में आई तो ICICI बैंक में बच्चों का हुआ था लगभग 100, फ्लिपकार्ट में भी हुआ था और भी बहुत TCS में भी बच्चों का हुआ था। तो ये सब चीज मैं देखती आ रही हूँ पिछले 2 साल से। आपको मौका है कि आज मैं भी प्लेस्ड हूँ। तो तुम जिस उम्मीद के साथ सिमज कॉलेज में आई थी वो उम्मीद पूरी हुई? यस सर। तो तुम्हारे पापा को क्या लग रहा है कि बेटी ने मेरे सही फैसला लिया, पापा को गर्व हो रहा है? यस सर। वेरी गुड। किसी भी गार्जियन को जब अपने बच्चों की सफलता पे गर्व होगा, खास करके अगर वो सही रास्ते पर बढ़ते हैं, तो माँ बाप की छाती और दुगनी फैल जाती है, चौड़ी हो जाती है। हम सभी बच्चों को जो बिहार से अपने करियर की तैयारी कर रहे हैं ये संदेश देना चाहेंगे कि सफलता अगर आप सही गाइडेंस में सही तरीके से करें तो संभव है, और उस रेस में दौड़ें जिसमें सफलता की संभावना थोड़ी ज़्यादा हो, जहाँ ज़्यादा लोग सफल हो रहे हों। तो हम चाहेंगे कि वो गार्जियन जो अपनी बच्चियों के पढ़ाई पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं, आज बेटा तुम अपनी पैर पर खड़ी हो गई हो और लाइफ लॉन्ग तुम अपने पैर पर अब खड़ी रहोगी। तुम अब समर्थ बन चुकी हो, तुम परिवार के लिए एक एसेट बन चुकी हो, लायबिलिटी नहीं बनी हो। तो तुम उन माँ बाप को जिनकी बच्चियाँ हैं और जिन पर वो, मतलब मैं कहूँ कि शायद उनके करियर को लेकर बहुत आशान्वित नहीं है, उनको क्या मैसेज देना चाहोगी? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो लड़की है, इसका ये समझ कर आप ये सोच के मत भरिए कि वो बेटी है वो क्या ही करेगी, वो बहुत कुछ कर सकती है। अगर एक बार अपने पैरों पे खड़ा हो जाती है तो वो अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार का भी वो समर्थन करती है और उसका लाइफ स्टाइल और परिवार का भी लाइफ स्टाइल में बहुत अंतर आ जाता है। तो एक बेटी को भी आप पढ़ाइए जैसे अपने बेटों को पढ़ाते हैं। बेटा से अगर आप उम्मीद रखोगे तो मे बी 100% में से 99% आपको वो सहयोग करे, लेकिन अगर आप बेटी को पढ़ाइएगा तो 100% में से 100% वो आपको सहयोग करेंगे। तो मैं यही बोलूँगी कि सभी माता पिता से कि अपने आप बच्चे को भी ध्यान, बच्चियों पे भी ध्यान दीजिए और उनको अच्छा बेहतर पढ़ाई करने का मौका दीजिए, उनको भी मौका दीजिए कि वो अपनी लाइफ में अपना निखर सके और आपका भी आदर और सम्मान बढ़ा सके। आई तो तुम जब थी तो बहुत छोटी थी, लेकिन अब तो बहुत बड़ी और मैच्योर हो गई बेटा, अब तुम वाकई बड़ी हो गई हो। और जब ये मैच्योर हो सकती है तो फिर आप क्यों नहीं हो सकते? अगर आपकी बेटी है तो वो आपके बेटों से कम नहीं है, सही तरीके से सही गाइडेंस में अगर रहेंगे तो बेटियां एक एसेट प्रूव होंगी। ये सारे गार्जियन के लिए मैसेज है और ये आपकी बच्ची की भी अनव्यक्त कथा है जो इस बेटी ने कही है।
पूरे बिहार की बेटी की बात है जो इस बच्ची ने कही है। तो बेटियों को बेटों से कम मत समझिए, अगर उनके उन्हें आसमान देंगे तो उनके पंखों में भी जान है, वो आकाश की ऊंचाई छू सकती हैं। ये बाबू उसका एग्जाम्पल है। बहुत गर्व है बेटा हमको भी तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे माँ बाप को भी होगा। ऐसी लाइक बेटी सबकी हो, जिंदगी में खूब आगे बढ़ो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।